हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। टुडे वी विल लर्न यूनिट फर्स्ट लेसन 2 ऑफ आवर मैरीगोल्ड बुक। इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न यूनिट फर्स्ट लेसन 1। सो टुडे वी विल लर्न लेसन 2। लेट्स स्टार्ट, लिसन केयरफुली। So, what's the name of the chapter? 3 Little Pigs. Listen and enjoy this story. Yes, मैं आपको first paragraph read करके बता रही हूँ। Listen carefully. Once there were 3 little pigs, Sonu, Monu and Gonu. Sonu lived in a house of straw. Monu lived in a house of sticks and Gonu lived in a house of bricks. अब मैं इसको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ लाइन बाय लाइन। फर्स्ट देखो, वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स। एक समय की बात है, 3 छोटे पिग्स थे। पिग्स पता है ना सबको, और लिटिल मीन्स क्या होता है, छोटा। 3 छोटी पिग्स थी, उनके नेम क्या थे, सोनू मोनू एंड गोनू। उनके नेम क्या थे, सोनू मोनू और गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। यहाँ पे लिव्ड का मीनिंग क्या है, रहना। लिव्ड आपसे पूछते हैं ना, वेयर डू यू लिव, लिव मीन्स रहना। तो सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन्स तिनको या घास फूस से। सोनू कैसे घर में रहता था, घास फूस से बने हुए घर में रहता था। झोपड़ियाँ बनी हुई होती है ना जैसे घास घूस से, वैसे घर में रहता था। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। मोनू कैसे, स्टिक्स, स्टिक्स क्या होता है, लकड़ी के बने हुए घर से, लकड़ियाँ, स्टिक, छड़ी, छड़ी को बोलते हैं। सोनू कैसे, मोनू कैसे घर में रहता था, स्टिक्स से बने हुए घर में रहता था। एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स ईंटों से बने हुए, ईंट होता है, ब्रिक्स मीन्स ईंट, यानी कि पक्का मकान जैसे अपने घरों घर बने हुए होते हैं ईंटों से, वैसे घर में रहता था। गोनू कैसे घर में रहता था, ईंटों से बने हुए घर में रहता था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। वन डे अ बिग वोल्फ केम टू सोनूज हाउस। ही सैड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड And he blew the house down. अब मैं ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। एक वन डे अ बिग बैड वोल्फ केम टू सोनूज हाउस। एक दिन क्या हुआ, एक बड़ा और बैड मीन्स बुरा या दुष्ट कुछ भी कह सकते हो आप, बड़ा और बुरा। वोल्फ मीन्स क्या होता है, भेड़िया, और हाउस मीन्स सबको पता है केम, कम की सेकंड फॉर्म है, केम मीन्स आना। तो एक दिन क्या हुआ, एक बड़ा और दुष्ट भेड़िया सोनू के घर आया। ही सैड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसने क्या कहा, सैड मीन्स क्या होता है, कहना। उसने कहा, मैं तुम्हारे घर को फेंक मार कर उड़ा कर नीचे गिरा दूंगा। हफ एंड पफ मीन्स तोड़ फोड़ कर, फेंक मार कर, और ब्लो मीन्स तेज हवा होती है ना, फूक मारना, फूक मार के जिसको वो नष्ट कर सकता है। ब्लो योर हाउस डाउन, डाउन मीन्स नीचे। उसने क्या कहा, मैं तुम्हारे घर को फेंक मार कर उड़ा कर नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। सो मीन्स इसलिए या तो। So he huffed and he puffed and he blew the house down. इसलिए उसने ऐसा ही किया तथा घर को फेंक मार कर उड़ा कर नीचे गिरा दिया। उसने इसलिए ऐसा ही किया और घर को तोड़ फोड़ कर और फूंक मार कर, ब्लो की सेकेंड फॉर्म है ब्लू, तो इसने तोड़ फोड़ कर और फूंक मार कर उस घर को उड़ा दिया या नीचे गिरा दिया। डाउन मीन्स नीचे, क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे। सोनू रैन टू मोनूज हाउस। द
The wolf came to Monu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and he blew Monu's house down. अब नेक्स्ट क्या हुआ, सोनू मोनू के घर पर भाग कर गया. रैन मीन्स भागना, दौड़कर जल्दी से घर पर, उसके घर पर भागा भागा गया. द वोल्फ केम टू मोनूज हाउस. और वोल्फ भी क्या होता है, भेड़िया भी क्या होता है, मोनू के घर पर आ जाता है. ही सैड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. उसी तरह से उसको भी कहता है कि मैं तुम्हारे घर को तोड़ फोड़ कर उड़ा कर नीचे गिरा, फेंक मार कर नीचे गिरा दूंगा. वही वाली लाइन्स बोल रहा है, देखो यहाँ पे भी. ही सैड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. मैं तुम्हारे घर को तोड़ फोड़ कर, फूंक मार कर नीचे गिरा दूंगा. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन. और उसने मोनू के घर को भी वैसे ही फूंक मार कर, तोड़ फोड़ कर नीचे गिरा दिया, जैसे सोनू का घर गिराया था. मोनू और सोनू का, दोनों का घर गिरा देता है. मोनू का घर किससे बना हुआ था, मोनू का घर बना हुआ था स्टिक्स से, और सोनू का घर किससे बना हुआ था, स्ट्रो से. तो उन दोनों का घर को तोड़ फोड़ कर वो नीचे गिरा देता है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो. सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस. द वोल्फ केम टू गोनूज हाउस. ही सैड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस डाउन. इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. अब इस पैराग्राफ को मैं ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, ध्यान से सुनना. फर्स्ट लाइन क्या है, सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस. सोनू और मोनू अब दोनों भाग कर कहाँ जाते हैं, गोनू के हाउस में जाते हैं. द वोल्फ केम टू गोनूज हाउस. वोल्फ भी उनके पीछे पीछे कहाँ आ जाता है, गोनू के हाउस में. भेड़िया भी कहाँ जाता है, गोनू के हाउस में. ही सैड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. वही बात यहाँ पे भी आके बोलता है कि मैं तुम्हारे घर को तोड़ फोड़ कर, उखाड़ कर, फूंक से नीचे गिरा दूंगा. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस. सो मीन्स पहले भी मैंने बताया था, इसलिए या इस तरह या तो इस तरह उसने फूंक मारकर गोनू के घर को उखाड़ कर नीचे गिराने की कोशिश की. बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस डाउन. परंतु क्या होता है, बट मीन्स क्या होता है, परंतु वो किससे बना हुआ था, उसका घर गोनू का हाउस किससे बना हुआ था, ब्रिक्स, ईंटों से बना हुआ था ना, तो ईंटों का घर पक्का होता है. तो उसके फूंक मारने से वो नीचे नहीं गिरा सकता. बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस डाउन. परंतु वो ईंटों से बने हुए घर को नीचे नहीं गिरा सकता. इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. वो बहुत ज़्यादा मजबूत था. यहाँ पे देखो क्या आया, कुड नॉट मीन्स नहीं कर सकता. कुड नॉट मीन्स क्या होता है, नहीं कर सकता. और स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है, मजबूत. और ब्रिक मीन्स क्या होता है, ईंट. पहले भी बताया था मैंने, क्लियर. यस स्टूडेंट्स, देखो उसका तीनों का घर अलग अलग चीज़ों से बना हुआ था ना. सोनू का घर किससे बना हुआ था, स्ट्रो से. स्ट्रो तिनके मैंने आपको बताया था, घास फूस या तिनके से. और उसका मोनू का घर किससे बना हुआ था, स्टिक्स से. और गोनू का हाउस किससे बना हुआ था, ब्रिक्स से. ब्रिक्स से बना हुआ घर कैसा होता है, मजबूत होता है. वो दोनों मजबूत नहीं थे ना घर, तो वो उससे टूट जाते हैं. वो तोड़ देता है वोल्फ उसको आके, अपनी फूंक से ही उसको तोड़ फोड़ के कर देता है. परंतु वो जब उसको कोशिश करता है ब्रिक्स से बने हुए हाउस को तोड़ने की, पर वो उसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो मजबूत होता है. ईंटों का बना हुआ घर मजबूत होता है ना. आपका घर है, आंधी आती है, टूटता नहीं है ना. तो ईंटों से बना हुआ घर मजबूत था, इसलिए वो उससे टूट नहीं पाता. अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे. द वोल्फ वेंट अवे एंड सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस. अब क्या होता है, वो भेड़िया वहाँ से वापस चला जाता है, भाग जाता है, उससे टूट नहीं पाता. अब वो डर के वहाँ से भाग जाता है. सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस. अब सोनू मोनू और गोनू हैप्पीली यानी कि खुशी से, एक साथ, टुगेदर मीन्स एक साथ,
रेड ब्रिक्स, रेड ईंटों से बना हुआ घर। तो सोनू, मोनू और गोनू खुशी से एक साथ रेड हाउस, रेड ब्रिक्स से बने हुए घर में रहते हैं। ये लेसन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी समरी एक्सप्लेन कर रही हूँ, लिसन केयरफुली। दिस स्टोरी इज अबाउट थ्री लिटिल पिग्स नेम्ड सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ हाउस मेड ऑफ स्टिक्स। ऑन द अदर हैंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स। वन डे अ बिग बैड वोल्फ केम टू सोनूज हाउस। ही हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लूड सोनूज हाउस। देन सोनू रैन टू मोनूज हाउस। नेक्स्ट द वोल्फ केम टू मोनूज हाउस एंड डिड द सेम। ही हफ्ड एंड पफ्ड ब्लूड द सोनूज हाउस। सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस। Suddenly the wolf came there and tried to blow Gonu's house as well. But wolf could not blow Gonu's house because it was strong and made up of bricks. The wolf went away and after that all the three happily lived together in the red brick house. अब मैं हिंदी में इसकी समरी बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। इस कहानी में क्या है, सोनू मोनू और गोनू थ्री पिग्स होते हैं और उनके अलग अलग तीनों के घर बने होते हैं। सोनू का घर किससे बना होता है, घास फूस से, और मोनू का घर लकड़ी से बना होता है, और गोनू का घर किससे बना होता है, ईंटों से बना होता है, ईंटों से। तो एक दिन क्या होता है, एक बुरा भेड़िया वहाँ पर, बैड वोल्फ आता है वहाँ पर, और वो सबसे पहले सोनू के घर पर जाता है और सोनू के घर जाकर कहता है कि मैं तुम्हारे घर को फूंक मार के तोड़ फोड़ के गिरा दूंगा। और वो ऐसा ही करता है, तोड़ फोड़ के सोनू के घर को गिरा देता है। तो सोनू भागकर कहाँ जाता है, मोनू के घर में जाता है। फिर पीछे पीछे भेड़िया भी वहाँ आ जाता है। भेड़िया भी वहाँ आकर ऐसे ही कहता है कि मैं तुम्हारे घर को भी फूंक मार कर तोड़ फोड़ कर उड़ा कर नीचे गिरा दूंगा। तो उसके घर को भी वो तोड़ फोड़ कर नीचे गिरा देता है। फिर वो दोनों भागकर कहाँ जाएंगे, गोनू के घर जाते हैं दोनों भागकर। गोनू का घर किससे बना होता है, ईंटों से बना होता है। वहाँ जाकर फिर वही बात, भेड़िया भी उनके पीछे पीछे वहीं जाता है और वही वहाँ जाकर फिर वही बात बोलता है कि मैं तुम्हारे घर को तोड़ फोड़ कर फूंक मार कर उड़ा दूंगा और नीचे गिरा दूंगा। वो ऐसा करने की कोशिश करता है पर उसका घर किससे बना होता है, ईंटों से बना होता है। तो उसके फूंक मारने से वो टूटता नहीं है, तो क्योंकि वो क्या होता है, मजबूत होता है। और वो जब उससे टूटता नहीं तो भेड़िया वहाँ से भाग जाता है और वो तीनों उस रेड ब्रिक से बने हुए घर में खुशी से रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप नाउ यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रॉपरली। सो आई होप यू ऑल विल डू द होमवर्क गिवन टू यू थ्रू PDF इन योर नोटबुक नीटली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।